कांशीराम जी को भी मिले भारत रत्न सम्मान। बसपा अध्यक्ष मायावती ने की बड़ी मांग, केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न अवार्ड की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत रत्न का ऐलान कर दिया। इसके बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बैनजी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया, लेकिन साथ ही मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग दोहरा डाली। बैनजी ने ट्विटर पर लिखा, देश में खासकर अति पिछड़ों को उनके संवैधानिक हक के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करके उन्हें सामाजिक न्याय व समानता का जीवन दिलाने वाले जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को आज उनकी 100वीं जयंती पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे देश के ऐसे महान व्यक्तित्व श्री कर्पूरी ठाकुर जी को देर से ही सैय्यद भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए उनके परिवार व सभी अनुयायियों आदि को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी प्रकार दलितों एवं अन्य उपेक्षितों को आत्मसम्मान के साथ जीने व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी का योगदान ऐतिहासिक है, जिन्हें करोड़ों लोगों की चाहत अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी है। बैनजी के साथ साथ दलित बहुजन समाज के लोग भी इस मांग को लंबे समय से उठा रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी की सरकार ऐसा नहीं कर पाई। मान्यवर कांशीराम साहब ने दलित और वंचित जातियों को देश की सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अपना घर बार छोड़कर उन्होंने दलितों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई। उन्हीं की बदौलत देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीएसपी ने 4-4 बार अपनी सरकार बनाई। एक वक्त था जब वंचित वर्गों के लिए ये कल्पना करना ही मुश्किल था कि वो अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ऐसे वक्त में मान्यवर कांशीराम साहब ने गली गली जाकर वंचित वर्गों को एकजुट किया और उन्हें उनके वोट की कीमत समझाई। ऐसे में अलग अलग जातियों में बिखरे वंचित वर्गों को बहुजन समाज नाम के धागे में पिरोकर मान्यवर कांशीराम साहब ने न सिर्फ देश के लोकतंत्र को मजबूत किया बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलना ही चाहिए। यूं तो भारत रत्न अवार्ड एक सियासी सम्मान बनता जा रहा है, जहां कई प्रधानमंत्रियों ने तो अपने जीते जी खुद को ही भारत रत्न से सम्मानित करवा डाला था, तो कुछ ने बाद में अपनी सरकार बनने पर अपने मनचाहे व्यक्ति को ये सम्मान दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे भी जानकार बीजेपी की ओबीसी को साधने की राजनीति ही देख रहे हैं, लेकिन सियासत के इतर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अब पूरा भारत जान रहा है। इसी तरह अब वक्त है कि मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यूं तो बाबा साहब जैसे बहुजन महानायक को भी लंबे समय तक भारत रत्न से नवाजा नहीं गया और मान्यवर कांशीराम जैसे नायकों की अथक मेहनत के बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि अब बाबा साहब खुद ही विश्व रत्न बन चुके हैं और सारी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। ऐसे में मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।